जीरो कार्बन एमिशन वाली गाड़ियों को अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए लगाया गया है और हम वैसी ही एक गाड़ी पर इस वक्त मौजूद हैं। गोल्फ कार्ट बहुत देखे गए होंगे लेकिन ये गोल्फ कार्ट कुछ अलग है, काफी ज्यादा स्पेस है, काफी कंफर्टेबल है और मेरे पीछे आप जिस तरह से लता वीणा का खूबसूरत नजारा देख रहे हैं, हम लता चौक से होते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ किस गाड़ी के बारे में भी बताऊं मैं, काफी स्पेस इस गाड़ी में, श्रद्धालु अगर आएंगे तो उनके पास कम से कम 8 से 9 लोग इस पूरी गाड़ी में बैठ सकते हैं। अब अयोध्या के नजारे भी देखते हुए चलिए, हम सूर्य स्तंभों से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर और कैमरामैन रोहित आपको तस्वीरों के जरिए आप दिखाएंगे। यूं तो बहुत ठंड है, ठिठुरन है लेकिन श्रद्धालुओं की भक्ति में कोई कमी नहीं है और यहां सरयू अतिथि गृह से होते हुए आप सूर्य स्तंभों को देखिए। इसी गाड़ी पर बैठकर आप पूरे अयोध्या दर्शन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिसके जरिए आप इस तरह की गाड़ियों से संपर्क साध सकते हैं और बुकिंग पहले से कर सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुगमता मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप दर्शन तो अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं, हायर टैक्सी में भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह की गाड़ी में जहां पूरा खुला हो ऊपर से और नजारे सबसे बड़ी बात है यहां से आपको साफ दिखते हो, आप सेल्फीज क्लिक करते हुए अपने सफर को आगे बढ़ सकते हैं। सूर्य स्तंभ आपके रास्ते में पड़ रहे हैं, जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पड़ेगा, आगे चलकर आपको मैं दुकानें भी दिखाऊंगा जो एक ही रंग की पुती हुई है और भक्ति लीन इस तरह से देखिए जो श्रद्धालु हैं वो इतनी ठंड में भी आप देखिए निकल रहे हैं और यहां पर देखिए पेंटिंग्स को किस तरह से बनाया जा रहा है, जितनी भी दीवारें बीच में आ रही हैं ये बदलती अयोध्या की एक तस्वीर में दिखाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूं और जितने भी यहां पर जो स्पेस छोड़े गए हैं जो दीवार के हैं इन सभी जगहों पर जो है यहां पर तस्वीर बदलती हुई दिख रही है और हम यहां से अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर भी बढ़ेंगे। इसका कितना किराया आप लोग ले रहे हैं वैसे? सर लता चौक से हनुमानगढ़ी जन्मभूमि तक का 10 रुपए है। बड़ी सवारी आपकी? गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है सर जो है और इसको चलाने में भी आराम है और लोग इसमें अधिकतर आराम महसूस कर रहे हैं, जैसे बैटरी रिक्शा से ज़्यादा इस पे जो है लोग रोजगार का भी माध्यम आप लोग के लिए बना है। जी जी, रोजगार के लिए भी बड़ा है और सवारी के लिए भी और कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर सूर्य स्तंभ की हम दिखाते हुए चल रहे हैं और अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे उन दुकानों की ओर भी जहाँ पर कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं एक बार तस्वीरें, यहाँ पर केवल तस्वीरें दिखाइए किस तरह से जय श्री राम और बजरंग बली की गदा और ऊपर जो सूर्य देख रहे हैं, भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे, भास्कर उनके कुल देवता थे और उसी के तर्ज पर यह सूर्य स्तंभों का निर्माण किया गया और कि उस तरह से ही एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि कुछ खूबसूरती से इन गाड़ियों का भी जिक्र किया कि किस तरह से जो है हम अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर चलने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको हम और तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन जो रोजगार की बात अभी ड्राइवर साहब ने करी, उन्होंने जिस तरह से बताया कि पहले कम सवारियां बैठाते थे और अब इसके जरिए क्योंकि इसमें जगह ज्यादा है तो इसमें ज्यादा सवारियां वो बिठा पा रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी भी आप देखते चलिए, जो पुलिस है उसकी मुस्तैदी भी यहां पर करी गई है कि किस तरह से प्राण प्रतिष्ठान का जो कार्यक्रम होना है चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस की नजर है। और अब आपको वो तस्वीर में दिखाऊंगा, यूं तो हम राम की पैड़ी के इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं और आप तस्वीरें दुकानों की देखिए आशुतोष, किस तरह से दुकानों को एक ही रंग में ढाला गया है, एक ही रंग में पूरे अयोध्या को तब्दील करने की कवायद है। दुकान के जो बोर्ड है ना वो भी आप देखिए, उनमें जो फॉन्ट साइज है जिस तरह से लिखा है वो सब एक ही रंग का है। ये नज़ारे आपको लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर अक्सर देखने को मिले होंगे लेकिन अब ये नज़ारे यहाँ भी, और ये देखिए सामने की तरफ देखिए किस तरह से रंगोलियाँ और चित्रण पेंटिंग्स जो हैं अयोध्या की दीवारों पर की जा रही हैं और तमाम मंदिरों पर भगवा ध्वज ऊपर देखते चलिए, लोगों के घरों की छतों पर ध्वज लगे हुए हैं। इस तरह की गाड़ी में सफ़र कर आप आनंदित महसूस करेंगे, आपकी जो राइड है आपकी जो क्वालिटी है, जो आप दूर दूर से अगर यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं तो दर्शन तो होगा ही होगा लेकिन अयोध्या का जो टूरिज्म है, अयोध्या को एक टूरिस्ट की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो शायद इस तरह की गाड़ियों पर बैठकर ही उसका आनंद मिलेगा। जैसा कि पहले के ज़माने में कहते थे कि तांगे से सफ़र नहीं किया तो क्या सफ़र किया, अब शायद उसका एक नया वर्जन इस तरह की गाड़ियाँ हैं जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी बेहतर हैं और इनकी दृष्टि से भी बेहतर हैं और अगर आप अपनी जेब की बात करेंगे तो किराया के हिसाब से भी काफ़ी जो है वो बेहतर नजर आती हैं। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो भी दर्शनार्थियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए मार्ग है उसको सुगम करने का प्रयास है, फिर चाहे वो इस तरह के गोल्फ कार्ट के जरिए हो जिनका स्पेस मैं दिखा चुका हूँ कितना ज़्यादा है, मैं खुद बैठा हूँ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है कि कोई थकान या वैसा कुछ, अगर मैं 5-6 किलोमीटर भी चलूँ तो ऐसा महसूस होगा, तो ये उपयोगिता बता रहा है और विकास जो इस वक्त अयोध्या देख रहा है उसमें 4 चांद भी लगा रहा है।